और बढ़िया लग रहा है। इंग्लिश लीजिएगा, इंग्लिश में दे दीजिए, इंग्लिश। हाँ जी सर, राजू सर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत छोटे से निमंत्रण पर जल्दी आने के लिए। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृत मंत्रालय का स्वायत्त संस्था है और अपनी 37th अपना फाउंडेशन डे मनाने जा रहा है जो कि 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक चलेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पिछले 37 सालों में जो कला के क्षेत्र में संवर्धन संप्रेषण का काम करता रहा है और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से हमने ये कोशिश करी है कि हम इसके साथ साथ आम जनता और प्रेस को भी जोड़े, इसी प्रयास में कोशिश है। मेरे साथ मेरी दो सहयोगी भी यहां पर मौजूद हैं, हमारी एचओडी कला दर्शन की मेरे साथ में है प्रोफेसर डॉक्टर ऋचा कंबोज जो आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगी और हमारे साथ मिशन डायरेक्टर एनएमसीएम की डॉक्टर ऋचा नेगी भी मौजूद हैं इसके बारे में जानकारी देंगी। उससे पहले हम आपको जानकारी दें इसके साथ ही हमने पिछले सालों में क्या कुछ किया है, यानी कि पिछले साल का हमारा जो स्थापना दिवस था फाउंडेशन डे था उससे लेकर आज हम अगले एक साल में पहुंचे हैं। कुछ लोगों को आपको ज्ञात होगा कि आईजीएमसी ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो आपके साथ में पहुंचे होंगे और वो काफी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे गए हैं, वो चाहे पार्लियामेंट का आर्टवर्क हो, चाहे G20 में नटराज की प्रतिमा और साथ ही भारत मंडपम की पूरी फॉर्मेशन की बात हो। ये कोशिश लगातार आईजीएमसी करता रहा है और सरकार की जो कोशिश है कि संस्कृत को जीवन का हिस्सा बनाया जाए उसकी दिशा में आईजीएमसी अपनी तरफ से योगदान दे रहा है। हम आगे बढ़े उससे पहले कोई छोटी सी फिल्म हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप वो फिल्म देखें उसके बाद कार्यक्रम की पूरी। भारत एक सभ्यता के रूप में शताब्दियों से निरंतर गतिमान है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ की संस्कृति, यहाँ के दर्शन और यहाँ की कला है। उसी संस्कृति, कला और जीवन दर्शन के संरक्षण, संवर्धन और प्रदर्शन का मेहनती काम कर रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। IGNCA की शुरुआत 5 प्रभागों से हुई थी, कला निधि, कला पुरुष, कला दर्शन, चंद्र संपदा और सूचना। समय के साथ IGNCA के कार्यों का दायरा विस्तृत होता गया और कई नए प्रभाग अस्तित्व में आए, जैसे कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स प्रयोगशाला CIL, मीडिया सेंटर, आदि दृश्य प्रभाग, कंजर्वेशन डिवीजन, भारत विद्या परियोजना और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। इसके अतिरिक्त IGNCA के 9 क्षेत्रीय केंद्र भी देश की कला संस्कृति को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। IGNCA के वाराणसी, गुवाहाटी, बेंगलुरु, रांची, पुदुचेरी, त्रिशूर, गोवा, वडोदरा और श्रीनगर केंद्र स्थानीय कला संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का काम लगातार कर रहे हैं। केंद्र ने बीते कुछ सालों में कई नए प्रकल्पों और कार्यक्रमों की शुरुआत की है, इसी में से एक है दीक्षा, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित यह कार्यक्रम जिसमें कला जगत की महान हस्तियों के योगदान को उनके शिष्य विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए याद करते हैं। देश की नई संसद की आंतरिक सज्जा का बेहद महत्वपूर्ण काम IGNCA कर रहा है, इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों और कालखंड की झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर कल्चर मैपिंग के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर के काम को केंद्र अंजाम दे रहा है। इस परियोजना में देश के लगभग 6.5 लाख से ज्यादा गांव की सांस्कृतिक पहचान को ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, साथ ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम और वोकल फॉर लोकल को तरजीह देते हुए देश के कारीगरों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन कार्यक्रम को लाल किले में शुरू किया गया है। कला केंद्र एक और बेहद महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे रहा है, भारत की विशाल पांडुलिपि संपदा का पता लगाने और संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन चला रहा है,
देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भी पांडुलिपियों को बचाने और संवारने का काम केंद्र कर रहा है। हाल ही में IGNCA ने मंगोलियाई कनिजुल के 108 संस्करणों के पुनर्मुद्रण की परियोजना को शुरू किया है। इस साल केंद्र के स्थापना दिवस के मौके पर देश की वैदिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने के लिए वैदिक हेरिटेज पोर्टल शुरू किया गया, जिसे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया। यह शोधकर्ताओं और अन्य लोगों के लिए एकमात्र समाधान है जो वैदिक विरासत के बारे में कोई भी जानकारी खोजना चाहते हैं। जहां तक पिछले साल हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की बात की जाए तो केंद्र ने 3 दिवसीय काशी उत्सव, देश के उत्तर पूर्व की सांस्कृतिक झांकी दर्शाता हुआ ईशान मंथन, दीपोत्सव कार्यक्रम का सफल आयोजन किया है। साथ ही बीकानेर में आयोजित राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में लोक देवलोक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें देश की सबसे लंबी फड़ लगाई गई, जिसका उद्घाटन देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। इसी कड़ी में पंढरपुर वारी कार्यक्रम को मुंबई में आयोजित किया गया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भारत की विभाजन विभीषिका को मनाने का आह्वान किया था। केंद्र ने इस पर 4 राज्यों में फिल्म फेस्टिवल और संसद भवन के साथ साथ देश में 10,000 स्थानों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। केंद्र की एक शैक्षणिक जिम्मेदारी भी है, केंद्र 9 डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चला रहा है। इसके साथ ही केंद्र ने 500 महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है। IGNCA की यह यात्रा निरंतर जारी है। आने वाले वक्त में IGNCA देश की सांस्कृतिक परिदृश्य को और समृद्ध करेगा, ऐसा विश्वास है। राष्ट्रीय कला केंद्र के अब तक के सफर ने इस विश्वास को बल प्रदान किया है। ये हमारी छोटी सी फिल्म थी जिसमें हमने पिछले एक साल में जो कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं, लेकिन मानिए कि इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको कि समेटना छोटी फिल्म में भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं अपनी सहयोगी डॉक्टर ऋषा कंबोज से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम की थोड़ी विस्तृत जानकारी दें। नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के 37वें जो वार्षिक दिवस जो स्थापना दिवस है उसके अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा देश के बहुत ही जाने माने और ख्याति प्राप्त कलाकारों को यहां प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया है। और ये पूरा जो कार्यक्रम है ये कल से प्रारंभ होगा 19 मार्च से, और इसका स्थान रहेगा उन्मुक्त जो एम्फीथिएटर है हमारा। और इस क्रम में सबसे पहले 19 तारीख को 6 बजे जो प्रस्तुति रहेगी वो अकारी सिस्टर्स हैं, जो बहुत ही देश की जानी मानी वायलिन प्लेयर वायलिनिस्ट हैं, और उनकी परफॉर्मेंस सबसे पहले रहेगी जिनका नाम है एस सुबलक्ष्मी जी और एस स्वर्णलता जी। तो आप दोनों की प्रस्तुति सबसे पहले रहेगी और आपके आपके प्रस्तुति से इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा कल शाम को। और इसके बाद जो दूसरी प्रस्तुति है 7 बजे वो देश के बहुत ही नामी सरोद वादक श्री अयान अली बंगाश जी की है, उनकी प्रस्तुति रहेगी। और मैं ये भी बताना चाहूंगी ये जो कार्यक्रम है इसमें हमारी एंट्री फी रहेगी, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है जनमानस या जनता और हमारा जो और जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच ज्यादा से ज्यादा एक मैसेज मिले, क्योंकि इस तरह की प्रस्तुतियां बहुत कम हो पाती हैं जब इतने बड़े बड़े कलाकार एक जगह इकट्ठा होते हैं। आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि जनमानस तक ये जरूर पहुंचाएं कि ये जो कार्यक्रम है इसमें किसी एंट्री पास की या कोई टिकट की आवश्यकता नहीं है, इसमें प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। इसके अतिरिक्त 20 तारीख को जो बड़ा कार्यक्रम है वो शाम के 6 बजे पंडित राहुल शर्मा जो देश के ही नहीं पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त संगीत वादक हैं उनकी प्रस्तुति रहेगी, और 1 घंटे की प्रस्तुति है 6 से 7 बजे तक। और 7 बजे जो सुविख्यात शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं आरती अंकलेकर टीकेकर जी जो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं उनकी प्रस्तुति रहेगी। और
इसके साथ ही कुछ अन्य कार्यक्रम भी हम इस अवसर पर आयोजित कर रहे हैं, जिसमें एक 18 से आज से ऑलमोस्ट प्रारंभ हो चुकी है एक एग्जीबिशन हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट बास्केटरी आर्ट एग्जीबिशन है। इसका आईजीएमसी के जो एग्जीबिशन गैलरी है दर्शना एक, इसमें इसका आयोजन किया गया है और बहुत बड़ी इसका उद्घाटन कल होगा। और 20 से 22 तारीख तक एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है इसी जगह जहां हम सब बैठे हैं उमंग में। और ये जो वर्कशॉप है ये डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन म्यूजियम्स में अगर डिजास्टर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके ये म्यूजियम प्रोफेशनल्स के लिए हमको ट्रेन करने के लिए एक वर्कशॉप 2 दिवसीय यहाँ पर आयोजित की जा रही है जो सुबह 10 से 5 बजे तक रहेगी। इसके साथ ही 21 तारीख को एक कार्यक्रम और है जो बुक लॉन्च का है और ये संवित सभागार में रहेगा। इसमें एक जो पुस्तक है जिसका नाम है सिद्धम कैलीग्राफी ऑफ संस्कृत हिरोनिम्स, ये जो इसके लेखक है प्रोफेसर लोकेश चंद्रा जी हैं और इसका प्रकाशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा किया गया है जो हमारा एक कलाकोश विभाग है। इसमें जो कला समालोचन सीरीज है उसके अंतर्गत इन पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और पुस्तक का भी विमोचन रहेगा, विमोचन के साथ साथ इस पर डिस्कशन भी रहेगा जो है संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम जापान वॉल्यूम 1। तो ये हमारे जो भारत और जो जापान है उसके बीच जो हमारे संबंधों को अच्छा करने सुमधुर बनाने के लिए और सुदृढ़ करने की दिशा में भी एक हमारा कदम रहेगा। तो इसकी जो लेखिका है प्रोफेसर निर्मला शर्मा जी हैं। तो ये बुक डिस्कशन दो रहेंगे 21 तारीख को और 21 तारीख के अन्य कार्यक्रमों के लिए मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर ऋचा नेगी जी जो NMC डायरेक्टर है वो आपको जानकारी। नमस्कार, आप सभी का यहाँ पुनः स्वागत है और जैसे कि मेरी सहयोगी प्रोफेसर ऋचा कम्बोज ने आपको विस्तृत जानकारी दे दी है हमारे 37 फाउंडेशन डे की, मैं 21 तारीख पे फोकस करूंगी। जो हमने इस कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा है क्लासिकल एंड फोक, तो 21 को हम लोग फोक परफॉर्मेंस पे हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें आपके फागुन के गीत बुंदेलखंड से होंगे, फिर एक ग्रुप है वो गला गलू डांस है आंध्र प्रदेश का जो कि शक्ति को अलग अलग रूप में पूछता है, तो वही एक परफॉर्मेंस है बहुत वाइब्रेंट है और उनके जो लोकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ में होगा। फिर मणिपुर की जो 5 रास लीला है उनमें से एक है बसंत रास जो कि होली के उपलक्ष्य में होती है, तो उसमें कृष्ण गोपिया और राधा यही मेन कैरेक्टर है, अभी से होली को वो एक्सप्रेस करते हैं। और इसमें लास्ट में हम लोग की होगी ब्रज की होली जो फूलों की होली है होती है। इसके साथ हमारे जो 9 रीजनल सेंटर भी हैं वो अपने अपने स्थानों पर भी फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें कि एग्जीबिशन के साथ साथ प्लेस का भी वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है जो रीजनल सेंटर यानी कि जो हेडक्वार्टर है हमारा उसके साथ साथ जो जितने तमाम रीजनल सेंटर्स हैं उस फाउंडेशन डे को मनाएंगे। इसी पर हमने एक छोटी सी फिल्म भी बना ली है यानी कि अगर आप और एक पेन ड्राइव हम आपको प्रोवाइड कराएं जिसमें कि हमारी फिल्म हमारे कार्यक्रम उसके साथ साथ उसका एक PDF वर्जन भी है उस पर भी आप हम चाहते हैं कि आप एक नजर डाल लें कि इन 3 दिनों में इस कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या रहेगी।
ये माइक के साथ आपका माइक नहीं वर्क कर रहा। तो आईजीएनसी के द्वारा जो पार्लियामेंट आज में जो काम हुआ है और उसी में एक संगीत दीर्घा है, आपको पता होगा, जो बहुत ही सुंदर दीर्घा है जिसमें कला और कला के बड़े जो बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ हैं उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ओरिजिनल वहां लगे हैं। यह अवसर हमारे बहुत विशेष इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो अमजद अली खान जी हैं उन्होंने अपना सरोद गिफ्ट किया है और वहाँ पार्लियामेंट में जो संगीत देवगा में प्रदर्शित है उनके बेटे इस अवसर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे लिए बहुत एक हर्ष का विषय है। साथ ही जो पंडित राहुल शर्मा जी हैं जो संतूर वादक हैं और इनके पिता जो बहुत ही विश्वविख्यात जो संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार जी, उन्होंने अपने पिताजी का जो संतूर है वो भी हमारे पार्लियामेंट में प्रदर्शित करने के लिए वहां पर गिफ्ट किया है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हर्ष की बात है कि हमारे 37th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के अवसर पे आप सभी के नामी ख्याति प्राप्त कलाकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये जानकारी देना चाहते। बिल्कुल, उस खबर को लेकर कुछ जगह पर आई भी थी और वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि वो जो खासकर संगीत दीर्घा नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में है उसमें देश के जो ख्यातिलब्ध कलाकार हैं उन्होंने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को दिया था और वो हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी हैं उनका एक विजन था उसके द्वारा ये काम पूरा हुआ। ऋषा कंबोज जी ने उस पूरे काम को अंजाम दिया और बहुत ही कम समय में वो काम पूरा हुआ था। कलाकारों को न सिर्फ कन्विंस करना कि वो अपनी एक अमूल्य धरोहर को दे पाए और ऐसे भवन के लिए, और उन्होंने न सिर्फ ये काम हंसते हंसते किया और उनमें से दो ऐसे परिवार के लोग इस फाउंडेशन डे के दौरान जुड़ेंगे, यही जानकारी है। साथ ही आपसे अपील है कि आप भी, चूंकि एंट्री फ्री है, आप भी और आपके माध्यम से जो लोगों तक ये खबर पहुंचे उन सबसे अपील भी है कि आप बड़ी तादाद में आएं, हमारी इस कोशिश को सफल बनाएं क्योंकि न सिर्फ परफॉर्मेंसेस है बल्कि कई तरह की कला प्रदर्शनियां हैं, एक तरह का सिंपोजियम है, एग्जीबिशन है, इस सबसे न सिर्फ आप लाभान्वित हो सकते हैं बल्कि हमारी उससे हौसला अफजाई भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Can you tell us something more about that Japanese thing you have said, Sanskrit? We could not, if you could elaborate on that. स्थापना दिवस कला संकाय और कला विभाग से जुड़ा हुआ है तो स्थापना दिवस को कुछ थीम क्यों नहीं, मतलब नाम में थीम क्यों नहीं जोड़ी गई, क्योंकि खाली स्थापना दिवस एक फॉर्मल सा किया गया। देखिए, जैसा आपने फिल्म में देखा होगा क्योंकि आईजीएनसीए कई विभागों के साथ कई बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है तो किसी एक थीम के साथ जोड़ना बाकी और जो महत्वपूर्ण काम है उसके उसको छूट जाने का एक वो होता है। ये मंथन आमतौर पर हुआ है और आगे संभवतः आपकी बात को और रखते हुए सोचेंगे, लेकिन अभी हमारी कोशिश पूरी तरह से बूके को प्रेजेंट करने की है कि हम अपनी अपनी हर डिवीजन की अचीवमेंट्स को दिखा पाए, न सिर्फ कलाकारों के परफॉर्मेंस में, यदि देश के संग्रहालयों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए इस पर एक वर्कशॉप अगर एनडीएमआई और आईजीएनसी मिलकर कर रहा है तो ये अपने आप में भी बड़ी बात है क्योंकि आमतौर पर ऐसी कोशिश हम देखने और सुनने को नहीं मिल पाती है कि म्यूजियम्स को किस तरह से प्रिजर्व किया जाए। साथ ही अगर बास्केट्स को लेकर देश के उस तरह की लोगों की कला को आपके सामने प्रदर्शन करने की कोशिश है तो एक थीम को देना थोड़ा सा संभवतः न्याय नहीं होगा। बाकी जो एफर्ट्स आईजीएनसी कर रहा है, एक बड़ा संस्थान जो कि अपने हर डिवीजन के साथ अपनी अपनी चीजों को अंजाम दे रहा है। आपने पांडुलिपियों के संरक्षण की बात कही है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो प्रयास है अभी तक कहां तक पहुंचा है और किस तरह से करेंगे, क्या इस पांडुलिपियों को ऑनलाइन वर्जन भी उपलब्ध होगा जो कि अगर जन सामान्य जो है इस तक पहुंचना चाहे पहुंच सकता है। मैं ऋचा नेगी जी से आग्रह करूंगा कि वो इसके बारे में थोड़ी जानकारी और दे दें। पांडुलिपि तो मेरा एरिया नहीं है लेकिन यहाँ पे काफी काम हो चुका है और जैसे पर्सनल डोमेन में भी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिसको ये लोग डिजिटाइज करते हैं और उनकी जो ओरिजिनल कॉपी है जो ओनर्स है उनको दे दी जाती है विद अ डिजिटल कॉपी, क्योंकि मान्यता ये है कि आप जो ओरिजिनल कितनी पुराने उसमें टच करेंगे या लाइट आएगी तो वो खराब हो जाएगी, तो इसीलिए उनको डिजिटल कॉपी एक उनको दिया जाता है और आईजीएनसी के रिकॉर्ड के लिए एक कॉपी हम लोग अपने यहाँ रखते हैं। अब कितनी हो गई ये कहना अभी मेरा मुश्किल है क्योंकि वो विभाग कोई और
जो आप लोग ने वो किया था ना, सो दैट मंगोलिया थिंग, सो दैट वॉज विद दी ICCR, इफ आई एम करेक्ट. इट वॉज डन एट दी आजाद भवन. द मंगोलिया, दोज पीपल केम फ्रॉम मंगोलिया अबाउट दैट. नहीं, वो आईसीसीआर और मंगोलिया के बीच में एक एमओयू हुआ था जिसमें हमारे मेंबर सेक्रेटरी ने जाकर उसको दिया था. उन वो लोग अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स को आईजीएनसीए को के साथ को देने शेयर करने को तैयार थे. ये काम आईजीएनसी और उनके बीच में हुआ है. राइट. बताया कि मेरे फादर जो है वो कितने राज्यों में और उसके लिए तो बिल्कुल मेरा गांव मेरी धरोहर इंडिया का जो सेंसस रिकॉर्ड है उसमें 6,50,000 विलेजेस हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 4,30,000 विलेजेस प्लस कुछ कर लिए. तो उसमें कौन सी कला क्या है वो तो कहना अभी मुश्किल है क्योंकि इतना बड़ा डेटा है. प्लस हमारे एक पोर्टल लॉन्च हो चुका है, इट्स लाइव, और 27 जून को ये लाइव किया था यह पोर्टल, जिसमें इंस्टेंटली 90 विलेजेस एड हो गए थे. लेकिन आज के डेट में 4 लाख प्लस विलेजेस हैं. तो कौन से गांव में तो आप खुद विजिट करिए उसमें, और बहुत इंटरेस्टिंग पोर्टल है, आप देखिए और आपका फीडबैक इज ऑल्सो वेलकम. नीचा जी, शिव कुमार शर्मा जी ने अपना स्वरूप दिया है, इस तरह के कितने आर्टिस्टों ने वहां दिया है अपना? लगभग 10 के करीब ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास, जिसमें की हरी प्रसाद चौरसिया जी का भी है, और सुरेश कुमार जी का तबला भी है, तो इस तरह से कई बड़े कलाकार हैं जिनका, इसमें रविशंकर जी का सितार भी है. अराउंड 10 इंस्ट्रूमेंट्स ओरिजिनल. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.